वेलकम ऑल। इन दिस वीडियो एक ऐसे ही एक फन कैलकुलेशन हम करके देखेंगे टू सी हाउ मच एम्प्टी स्पेस इज रियली इन एन एटम। रदरफोर्ड के मॉडल में हमें पता चलता है कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस एम्प्टी होता है। प्लम पुडिंग मॉडल ट्रू नहीं है जो थॉमसन ने बोला था। सॉलिड तो कितना स्पेस एम्प्टी होता है, तो ये मैंने मेरे मैं जब स्टूडेंट था तब मैंने ये करके देखा था, इसलिए इंटरेस्टिंग हमेशा लगता है। देखो आपको 10th तक ये कहीं ना कहीं हुआ है कि रेडियस ऑफ एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-10 मीटर, करेक्ट? यानी आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ये 1,000 करोड़ एटम्स, राइट? या फिर हम लोग बोलेंगे कि 500 करोड़ एटम्स अगर हम लोगों ने एक लाइन में लगा दिए तो फिर उसका लेंथ जो है वो 1 मीटर बनता है, करेक्ट? या फिर आप शॉर्ट में समझने के लिए ये ध्यान में रखिए, ये कितना डिस्टेंस बोल रहा हूँ मैं, 10^-10 मीटर, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आपका स्केल में 1 mm मालूम है आपको, 1 सेंटीमीटर का 10वां पार्ट, छोटा सा, स्मॉलेस्ट डिवीजन, उसके 1 करोड़ पार्ट बना लो, उसमें से सबसे छोटा पार्ट यानी 10^-10 मीटर। इतना आसान नहीं है समझना, बट ध्यान में रखो ये बहुत ही छोटा है। और हमने ये भी देखा है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-15 मीटर, राइट? अब जो हमारा ये 10^-10 मीटर था उसका और 1 लाख टाइम स्मॉल, वो उतना छोटा होता है न्यूक्लियस। तो इन जनरल सपोज ये हमने एटम का जो डायग्राम बनाया, तो सपोज न्यूक्लियस ये दिया, तो इस न्यूक्लियस का रेडियस 10^-15 मीटर का होता है नियरली ये डिस्टेंस, और एटम का पूरा जो रेडियस है वो 10^-10 मीटर्स के करीब होता है। आई एम जस्ट टेकिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यूज। तो इनका रेशो क्या होगा नियरली? तो ये मैंने लिया एटम का रेडियस 10^-10 मीटर्स अपॉन न्यूक्लियस का रेडियस 10^-15 मीटर्स। तो आई होप आपको मालूम है ये होगा 10^-मीटर कैंसिल होके 10^-15, सॉरी -10+15, कितना हो गया ये 10^5, यानी 1 लाख। 10^5 कितना होता है? 1 लाख। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसका मतलब आप समझ लो कि न्यूक्लियस से एटम ये 1 लाख टाइम्स ज़्यादा रेडियस होता है। ये शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, तो एक इमेजिन करते हैं। सपोज हमने एटम को बड़ा 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 बना के ऐसा बना दिया कि एटम का रेडियस 1 किलोमीटर हो गया। 1 किलोमीटर तो समझते हो, आपके घर से 1 किलोमीटर होने वाली एक आधी चीज़ दूर पर होने वाली आपको मालूम होगी अप्रोक्सीमेटली, राइट? तो सपोज ये 1 किलोमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक इतना रेडियस समझ लो, 1 किलोमीटर यानी एटम का रेडियस है, तो न्यूक्लियस का रेडियस यानी 1 सेंटीमीटर रहेगा, राइट? यानी सिंपली आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड अगर आप लेते हो, राइट, ग्राउंड का रेडियस अगर आप लेते हो उतना अगर एटम है, राइट, तो एकदम एक छोटा सा पीनट जो है, राइट, इतना छोटा न्यूक्लियस होता है। एक्चुअली ये हमने जो रेशो लिया था 10^5, ये किस चीज़ का रेशो था? रेडाई का रेशो था। तो वॉल्यूम का रेशो क्या होगा? आपको मालूम है वॉल्यूम कितना होता है? 4πr³। तो वॉल्यूम का रेशो जो बनेगा वो 10^15 बनेगा। कितना बड़ा हो गया ये एक्चुअली। इसका मतलब अगर हम लोग इस रेशो को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि एटम के अंदर 99.9% से ज़्यादा अमाउंट जो होती है वो एम्प्टी स्पेस होती है। मैं आपको आई होप आप लोगों को ये ध्यान में आ रहा है कितना बड़ा स्पेस एम्प्टी स्पेस हो गया, राइट? ये थोड़ा सा आइडिया और आपको लाने के लिए आपको बता देता हूँ कि सपोज हमने ये किया कि एक आधा एक काम करते हैं, ओके, अगर हमने अर्थ पे, पूरी अर्थ के अंदर, अर्थ के ऊपर, पानी से लेकर सब कुछ, सभी ह्यूमन बीइंग, सभी जीव जंतु पशु जितना कुछ है अर्थ पे, उन सब में जितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, उन सबको एक जगह पे कर दिया। मतलब क्या किया? एटम के अंदर कैसा होता है? यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम लोग न्यूक्लियस में लेके आ गए, तो छोटे छोटे बना दिए सबको, राइट? सो इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ अर्थ कुड बी क्रंच्ड टूगेदर, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? नया वॉल्यूम। तो ये नया वॉल्यूम मैं अप्रोक्सीमेटली निकालता हूँ 4π। अर्थ का रेडियस 6200, 6400 के करीब है, लेकिन मैं 6000 किलोमीटर ले रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली, उसका क्यूब अपॉन 10^15, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। पाई की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली, 12 इंटू
ये हो गया 6000 किलोमीटर, मतलब 6 × 10⁻⁶ मीटर, उसका क्यूब मैं कर रहा हूँ। सो ये 12 एज इट इज रहा, 6 का क्यूब हुआ 216, और 10⁶ का क्यूब हुआ 10⁸। आई होप आपको मालूम है 10⁶ इज 10⁶ × 3, दैट इज 18। 10⁸ अपॉन 10⁵ इज 10�³, एंड ये 216 × 12 नियरली 2400, विच इज क्या हुआ, ये 2.4 × 10⁶ मीटर क्यूब, यानि 130 मीटर का होल क्यूब। 130 मीटर मतलब नियरली 500 फीट पकड़ लीजिए, तो 500 फीट बाय 500 फीट बाय 500 फीट का एक आधा क्यूब लेंगे तो इतना बनेगा वॉल्यूम। यानि सपोज सुन लीजिए, पूरे अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में से अगर हमने एम्प्टी स्पेस हटा दी तो पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है वो सिर्फ एक आधे बड़े स्कूल बिल्डिंग जितना बन जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हो कितना एम्प्टी स्पेस होता है एटम में? एटम में 10⁻⁵, यानी हम लोग फिर से समझने की कोशिश करें, 99% से ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होता है। और इंटरेस्टिंग क्या है, ध्यान में रखिए कि इतना बड़ा एटम है और उसमें एकदम पॉइंट के जितना राइट न्यूक्लियस, लेकिन पूरा का पूरा मास जो होता है एटम का वो न्यूक्लियस में समाया होता है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, करेक्ट? लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि एम्प्टी स्पेस इन एटम, राइट, ये इतनी एम्प्टी नहीं है कि आप बोलेंगे कि सर सच में ऐसा कोलैप्स हो सकता है क्या? नो, एक्चुअली ये स्पेस एक्चुअल में कोई मटेरियल नहीं है वहां पर, लेकिन फील्ड्स जरूर प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियसली निगेटिव पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल, उसके अलावा भी आज हमें जो स्टैंडर्ड मॉडल मालूम है उसके हिसाब से और कई सारे पार्टिकल्स, तो उनके फील्ड्स के फ्लक्चुएशंस इन सारे रीजन में प्रेजेंट होते हैं। इट्स नॉट एक्चुअली मटेरियल, बट यस, समथिंग इज ऑलवेज प्रेजेंट ड्यू टू विच इट नेवर कोलैप्सेस, थैंक गॉड, अच्छी बात है। नहीं तो ऑब्वियसली ध्यान में रखो कि एक इंसान, हमारे अंदर इतनी एम्प्टी स्पेस है कि वो पूरी एम्प्टी स्पेस निकाल ली, राइट, तो एक छोटा सा चम्मच भर भी कुछ मटेरियल नहीं बनेगा, मास उतना ही रह के। ये थोड़ा सा अलग सा थॉट हो गया, राइट? शायद इससे तकलीफ होगी क्योंकि इस तरीके से आप सोचते नहीं हो, आप लोगों को बस डेफिनेशन से याद करके आगे बढ़ने की आदत ज़्यादा है। अगर हो सके तो मैंने जो बताया वो सोच कर देखना, मज़ा आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं, कोई वैसे भी कोई ये कोई किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाला। इट वॉज जस्ट अ थॉट प्रोसेस फॉर यूर नॉलेज। थैंक यू।